हेलो गाइस, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. वंस अगेन वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लर्न विद कॉन्सेप्ट बाय अर्चना शर्मा. नाउ इट्स मी. हम कोर्स टू चला रहे थे. कोर्स टू इसलिए क्योंकि हमारा कोर्स सिक्स जो है जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी सब कंप्लीट हो गया था. अगर आपको उन वीडियोज़ में दिक्कत हो तो यू कैन आस्क मी इन माई कमेंट सेक्शन. अभी हम कोर्स टू के बचे हुए टॉपिक्स को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, विच नेम इज़ कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, है ना. तो उसमें हम पढ़ रहे थे स्ट्रेटिफिकेशन. तो मैंने आपको प्रीवियस वाले वीडियो में मीनिंग ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन यानी कि स्तरण क्या होता है, स्तरीकरण क्या होता है या उसका अर्थ क्या होता है उसको समझाने की कोशिश की थी. उसके बाद आपको मैंने इंट्रोडक्शन भी बता दिया था कि स्तरीकरण का इंट्रोडक्शन क्या होता है. नाउ वी कम टू द अवर नेक्स्ट टॉपिक, डेफिनेशन. डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. आपको पता होना चाहिए कि किस किस सोशियोलॉजिस्ट ने और ये सारी चीज़ों के बारे में बात की है. तो ये क्या है, ठीक है. स्ट्रेटिफिकेशन के बारे में बात करते हैं. अभी हम स्तरीकरण, सामाजिक स्तरीकरण की बात करते हैं. चलिए सबसे पहला यहाँ पे जो दे रखा है, अकॉर्डिंग टू द मुरे, मुरे के अनुसार क्या है, स्ट्रेटिफिकेशन इज अ हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ सोसाइटी इनटू द हायर एंड लोअर स्पेशल यूनिट्स. यानी कि समाज का उच्च और निम्न इकाइयों में शैक्षिक विभाजन क्या कहलाता है, हमारा स्तरीकरण कहलाता है. यानी कि सोसाइटी में अगर हम रह रहे हैं, हमारा लोअर और हायर क्लास है या हायर यूनिट्स हैं, उनके बीच का ही क्या है वो स्ट्रेटा या लेयर. यानी कि लोअर क्लास सबसे ऊपर होगी, मिडिल क्लास बीच में होगी, जैसा मैंने आपको प्रीवियस वाले वीडियो में बताया था, और लोअर कास्ट सबसे नीचे होगी, मिडिल क्लास बीच में. तो एक तरीके का क्या है, सोसाइटी में लेयर बन गया या एक ऑर्डर बन गया. तो हम इसी ऑर्डर के डिवीजन को क्या बोलते हैं, स्ट्रेटिफिकेशन या विभाजन स्तरीकरण. नेक्स्ट है हमारा अकॉर्डिंग टू गिसबर्ड. गिसबर्ड का क्या कहना है, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इज द डिवीजन of society is permanent group or categorized links with each other by the relation of superiority and subordination. यानी कि सामाजिक स्तरण या सोशल स्ट्रेटिफिकेशन बोलेंगे आप इसको, और निम्न संबंध से, ठीक है, एक दूसरे उच्च और निम्न संबंध से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए समाज के स्थायी समूहों या श्रेणियों का विभाजन है. ठीक है, यानी कि सामाजिक स्तर उच्च और निम्न संबंध से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए समाज के स्थायी समूहों या श्रेणियों का डिवीजन है या विभाजन है. देखिए डेफिनेशन आपको एज इट इज याद करनी पड़ेगी. डेफिनेशन का शॉर्टकट कोई ट्रिक नहीं होता है. हाँ, आप दो तीन बार पढ़ेंगे तो आपको लर्न जरूर हो जाएगी. तो हमेशा डेफिनेशन को लर्न करके और लिख लिख के ही याद करिए, वो इजी वे में याद हो जाती है. और डेफिनेशन में क्या कहने की कोशिश की गई थी, इस चीज़ को समझ के भी लिख सकते हैं आप, ठीक है. तो ये तो ही हमारी गिसबर्ड की डेफिनेशन. नाउ वी कम टू द नेक्स्ट डेफिनेशन, ठीक है. इनके देखिए गिसबर्ड का कहने का बस सीधा सीधा यही मतलब था कि सोसाइटी में जो हम रह रहे हैं, आपको पता है कि हमारी कास्ट, जो भी हमारी कास्ट है, चाहे अपर चाहे मिडिल चाहे लोअर, ठीक है, उसमें हम एक कोऑर्डिनेशन बना रहे हैं, अपना एक रिलेशन बना रहे हैं. आपको पता है कि सोसाइटी क्या है, एक तरीके से देखा जाए कनेक्शन बिटवीन द मैन एंड ह्यूमन्स. जो भी आप लोग रह रहे हैं उसका संबंध किससे है, आपकी सोसाइटी से है. यानी कि उसी को हम बोलते हैं कि हमारा जो रिलेशनशिप है या जो हमारा सोशलाइजेशन का प्रोसेस है. सोशलाइजेशन का मतलब क्या है कि हम समाज में मनुष्य लोग रहकर एक अपने धर्म का पालन कर रहे हैं, अपने नियम का पालन कर रहे हैं, अपनी नागरिकता होने का कर्तव्य निभा रहे हैं. तो ये सब क्या है, ये सारी चीज़ें सोशलाइजेशन में आती हैं या समाजीकरण में आती हैं. और समाज में जो नियम है, जो रूल्स रेगुलेशन है, उनको हम उसका अच्छे से पालन कर रहे हैं, उसका अच्छे से हम कर्तव्य कर रहे हैं, कर्तव्य निभा रहे हैं. तो ये क्या है, एक तरीके का सोशलाइजेशन वाला प्रोसेस है. तो बस वही प्रोसेस है कि अगर हम हायर क्लास के हैं और लोअर क्लास के हैं और मिडिल क्लास के हैं, सब में हम कोऑर्डिनेशन बना के चल रहे हैं अपने रिलेशन को. यानी कि परमानेंट जो ग्रुप होगा, एक पर्टिकुलर कोई भी ग्रुप, लेकिन वो क्या है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. और एक दूसरे से जुड़े होने के साथ साथ देखिए, उनका जाति भी अलग है, उनका धर्म भी अलग है, उनकी एज भी अलग होगी, उनका सेक्स भी अलग होगा, इवन उनकी इकोनॉमिकल कंडीशन भी अलग होगा. लेकिन यहाँ पे सब जुड़कर एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं, सोसाइटी में रह रहे हैं. तो ये क्या है, हमारा एक तरीके का स्ट्रेटिफिकेशन है, डिवीजन है. नेक्स्ट है हमारा अकॉर्डिंग टू द सदरलैंड एंड वुडवर्ड, ठीक है. नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द सदरलैंड एंड वुडवर्ड, स्ट्रेटिफिकेशन इज सिंपली अ प्रोसेस ऑफ डिफ्रेंशिएशन, है ना. स्ट्रेटिफिकेशन एक सिंपली क्या है, डिफ्रेंशिएशन या विभिन्नता है, जिसको बोलते हैं हम डिफ्रेंशिएट करना या डिवीजन करना या बांट देना चीजों को, वो है एक सिंपल सा प्रोसेस है. वेयर बाय सम पीपल कम टू हायर रैंक एंड देन अदर्स. यहाँ पे क्या है स्ट्रेटिफिकेशन में, कि कुछ लोग जो हायर जाति के हैं वो, और बाकी जिनके साथ कंपेयर है. तो ये स्ट्रेटिफिकेशन एक तरीके से देखा जाए, ये सैडलर के अकॉर्डिंग था. स्तरीकरण क्या है, विभेदीकरण की एक ऐसी प्रक्रिया है, यानी कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा कुछ अन्य की तुलना में ऊंची श्रेणी के लोग होते हैं. यानी कि हम यहाँ पे कास्टिज्म की बात कर रहे हैं, यानी कि जाति की बात कर रहे हैं. मैंने आपको पहले ही बताया था जो स्ट्रेटिफिकेशन है उसका मेन कंपोनेंट क्या है, हमारा
कास्ट है, ठीक है। तो कास्ट को आप नेग्लेक्ट नहीं करेंगे, यहाँ पे कास्ट है और कास्ट के बारे में ही हमने बात की है, कास्ट के बेसिस पे ही हमारा स्ट्रेटिफिकेशन वाला कॉन्सेप्ट चल रहा है। नेक्स्ट है हमारा अकॉर्डिंग टू द यंग एंड अदर्स। यंग एंड अदर्स का मतलब है, इन्होंने देखिए क्या कहा है, इन मोस्ट सोशलिस्ट पीपुल क्लासीफाई वन अनदर इन टू कैटेगराइज एंड रैंक देयर कैटेगराइजेशन फ्रॉम हायर टू लोअर एंड द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग सच कैटेगरीज इज कॉल्ड द सोशल स्ट्रेटिफिकेशन एंड द रिजल्टिंग सेट ऑफ रैंक्ड, यानी कि उनको पर्टिकुलर एक रैंक दे दी गई है, इज कॉल्ड द सोशल स्ट्रक्चर। ओके, तो ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट भी है, आप याद कर सकते हैं इसको एज फॉर लर्न फॉर द योर आपके गुड आंसर के लिए, तो इसको आप लर्न कर लीजिएगा। इनके कहने का क्या मतलब है कि अधिकांश समाजों में व्यक्ति स्वयं को कुछ वर्गों में वर्गीकृत कर लेता है, ऐसे वर्गों को परिभाषित करने की प्रक्रिया को सामाजिक स्तरीकरण कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा सामाजिक स्तरीकरण है, ठीक है। इस डेफिनेशन से आपको क्लियर हो गया होगा, इस डेफिनेशन में कोई दिक्कत नहीं है। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं कि बेस ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन क्या है। तो देखिए यहाँ पे मेरे पास छोटा सा बना हुआ है, लेकिन हम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं वन बाय वन, आपको दिक्कत नहीं होगी। बेस ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन यानी कि सामाजिक स्थिरीकरण के क्या आधार हैं या क्या पिलर हैं, ठीक है, हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो आपको पता है कि सबसे पहले हमने जो बात की थी, हमारा बेस है ये फ्लो चार्ट, आप इसको अच्छे से बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए सबसे पहला जो पॉइंट हमारा दे रखा है कास्ट, यानी कि जाति के आधार पे हम कैसे स्ट्रेटिफाइज हो सकते हैं। तो आपको पता है कि जाति के आधार पे सामाजिक स्तरीकरण हुआ है, जो कि बहुत इफेक्टिव है। आपको पता है कि हम जिस जाति में पैदा होंगे हम उसी जाति के रहेंगे, हमारी जाति को चेंज नहीं किया जा सकता है ना, कास्ट को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। जाति के आधार पर ही हमारा ऊंच नीच का जो भेदभाव है उसी के बारे में हम बात करते हैं, ठीक। ये तो हुआ जाति। नेक्स्ट है हमारा रिलीजन, रिलीजन इन द सेंस कि हमारा धर्म क्या है। तो आपको पता है कि भारत में विभिन्न धर्म के लोग रहते हैं, ठीक है। धर्म का स्थान भारत में सबसे ऊपर माना जाता है, सबसे प्रमुख माना जाता है। इसी कारण से क्या है कि जो भारतीय समाज है वो कहीं ना कहीं धर्मानुप्राप्ति समाज भी कहलाता है, यानी कि जहाँ पे धर्म का वर्चस्व है। और इसके बारे में बात करते हैं तो स्ट्रेटिफिकेशन क्या है, विभिन्न धर्मों के आधार पे भी हम सोसाइटी को स्ट्रेटिफाइड कर सकते हैं। तो आपको पता है ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, तो ये है रिलीजन। यानी कि यहाँ पे चार रिलीजन के बारे में बात की जाएगी, कास्ट के बारे में भी बात की जाएगी तो चारों वर्ण व्यवस्था के बारे में बात की जाएगी, ठीक है। इस तरह की चीजें हैं रिलीजन में भी, हम हिंदू धर्म का कल्चर अलग, हिंदू धर्म अलग है, ठीक है, मुस्लिम धर्म अलग है, सिख अलग है, सिख ईसाई अलग है। तो ये सबका अलग अलग क्या है, रिलीजन है। इनके आधार पे भी हमने कहीं ना कहीं सोसाइटी में स्ट्रेटिफिकेशन कर रखे हैं, ठीक। नेक्स्ट है हमारा एज। एज भी बहुत बड़ा मैटर करती है कि सामाजिक स्तरीकरण का एक तरीके से बेस है ये, एज भी है। और एज के आधार पर हम क्या कर सकते हैं, डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है। एज के आधार पर जितने भी ओल्ड पीपल हैं हम उनको क्या करते हैं, उनको बहुत अपर रखते हैं और यंग लोगों को अवॉइड करते हैं, कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेट करते हैं। यानी कि अगर देखा जाए यंग पीपल की अपेक्षा हम एडल्ट पीपल को या जो थोड़े हायर सिटीजन लोग हैं, सीनियर सिटीजन लोग हैं, उनको हाई स्थान प्राप्त है या उनको उच्च स्थान प्राप्त है, क्योंकि वो अच्छा कर सकते हैं सोसाइटी के लिए, तो इसलिए उनको उच्च वर्ग का स्थान प्राप्त है। एज के हिसाब से भी डिस्क्रिमिनेशन या स्ट्रेटिफिकेशन हो सकता है। नेक्स्ट है हमारा जेंडर या सेक्स। सेक्स या जेंडर के बेस पे भी हो सकता है। आपको पता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट बेस है, यानी कि जेंडर और सेक्स, यानी कि एक तरीके से देखा जाए सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का ये पिलर है ना, लिंगीय विभेद जिसको बोलेंगे या लिंगीय स्तरीकरण बोलेंगे। तो आपको पता है यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट आते हैं, एक तो मैस्कुलाइन आता है, दूसरा क्या आता है, फेमिनाइन आता है। मैस्कुलाइन इन द सेंस की पुरुषत्ववाद, और आपको पता है कि हमारी सोसाइटी में क्या है, मेल डोमिनेंट है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैस्कुलाइन, है ना, मैस्कुलाइन इन द सेंस की मेल डोमिनेंट सोसाइटी की बात की है हमने। और फीमेल क्या है, फेमिनाइन, तो फेमिनाइन की भी बात करते हैं। तो हमारी जो सोसाइटी है वो क्या है, मेल डोमिनेंट, तो इसके बेसिस पे भी स्ट्रेटिफिकेशन है हमारी सोसाइटी का, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इकोनॉमिकल कंडीशन। इकोनॉमिकल कंडीशन इन द सेंस की आपकी आर्थिक स्थिति कैसी, यानी कि वर्तमान अगर कल्चर की बात की जाए, तो आपको पता है मैंने मेटेरियलिस्टिक और नॉन मेटेरियलिस्टिक कल्चर बताया है कल्चर वाले वीडियो में, जो कि कोर्स 6 में है, आप देख सकते हैं वहां से। अगर कल्चर के बारे में डिटेल वीडियो चाहिए तो हमने वहां पे कल्चर पूरा डिटेल डिस्कस किया हुआ है। तो कल्चर के बेस के हिसाब से अगर देखा जाए इकोनॉमिकल कंडीशन, जैसे मान लीजिए कास्ट हो गई, हमारी एज हो गई, ये सब तो ठीक है, लेकिन इकोनॉमिकल कंडीशन के बेसिस पे है कि यहाँ पे क्या हो सकता है। इसके बेसिस पे भी किया गया कि जो बहुत अच्छा अर्न करता है, जिसकी इनकम या प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है, उसको सोसाइटी में क्या बहुत पावरफुल मानते हैं, है ना, उसको सोसाइटी में हम लोग बहुत पावरफुल कंसीडर करते हैं, ठीक। जिसके पास पैसा है, जिसके पास धन है, जिसके पास प्रॉपर्टी है, जमीन जायदाद है, ठीक, उसको हम बहुत अच्छा मानते हैं। नेक्स्ट है हमारा पावर। पावर इन द सेंस कि यहाँ पे शक्ति से मतलब है,
और ये भी एक तरीके से बेस है, वो इसलिए कहा गया है कि आपको पता है जिस व्यक्ति के पास शक्ति है या पावर है वो सोसाइटी में कुछ भी कर सकता है, उसको हम किसी भी तरीके से रोक नहीं सकते हैं या उसको हम किसी भी तरीके से ब्लेम नहीं कर सकते हैं। और किसी जिसके पास पावर है, पावर इन द सेंस कि उसका सोर्स है, ठीक है, उसका जैक है अच्छी अच्छी जगह पे, उसकी इकोनॉमिक कंडीशन बहुत अच्छी है, उसकी फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छी है, तो उस व्यक्ति को हम बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति मानते हैं कहीं ना कहीं। तो ये भी सोशल सर्टिफिकेशन का एक पार्ट है, एक बेस है। नेक्स्ट है हमारा एबिलिटी। एबिलिटी का मतलब यहाँ पे योग्यता है। आपको पता है कि व्यक्ति जब पैदा होता है तो बहुत सारी योग्यताओं के साथ पैदा होता है, जैसे जैसे वो बड़ा होता है, चाहे वो फिजिकली तौर पे, मेंटली तौर पर अपने आप को क्या करता है, डेवलप्ड करता है। तो ये भी कहीं ना कहीं एबिलिटी के हिसाब से भी लोगों को वो कर दिया जाता है, सोसाइटी वाले डिस्क्रिमिनेट कर देते हैं कि हाँ ये एबल है तो इस कैटेगरी में आएगा, ये डिसेबल है तो इस कैटेगरी में आएगा। तो कहीं ना कहीं एबिलिटी को भी सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का बेस माना जाता है। और आपको पता है जिस व्यक्ति के पास बहुत अच्छी एबिलिटी है किसी काम को करने की या उसके अंदर बहुत अच्छा एप्टीट्यूड है तो क्या है, वो सोसाइटी में उच्च स्थान पे विराजमान है या उसकी पोजीशन बहुत अच्छी है। नेक्स्ट है हमारा वोकेशनल। वोकेशनल का मतलब यहाँ पे व्यवसाय, व्यवसाय यानी बिजनेस। तो आपको पता है कि बिजनेस कौन करते थे, वैश्य लोग करते थे, जिसको वाणिज्यकार भी बोलते थे। तो व्यवसाय में क्या है कि कहीं ना कहीं ये भी एक तरीके का बेस है। आपको पता है कि भारतीय समाज में सामाजिक स्तर के लिए इम्पोर्टेंट पिलर है ये भी, और ये भी बेस है। तो इसमें क्या है कि जिस व्यक्ति का पर्टिकुलर बिजनेस बहुत अच्छा है और वो सोसाइटी में क्या है अच्छे से रह रहा है और उसकी क्लास भी बहुत अच्छी हो गई, यानी कि वो किसी भी जाति में पैदा हुआ हो कोई मैटर नहीं करता है, ठीक है। वैश्य अगर काम है, काम कर रहा है, अपना बिजनेस कर रहा है, तो उसकी इनकम तो अच्छी है ना, अपनी इनकम के माध्यम से उसने क्या बहुत सारी प्रॉपर्टी खरीद रखी है, और जब वो प्रॉपर्टी खरीद लेगा तो उसके पास दुनिया भर की पावर आ जाएगी, बहुत सारे लिंक आ जाएंगे, बड़े बड़े नेताओं से जान पहचान हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ भी बहुत मैटर करती है कि जो वोकेशनल वाली चीज़ें हैं, व्यवसाय वाली चीज़ें हैं, इसके माध्यम से भी समाज में आप अपनी प्रतिष्ठा को बना सकते हैं, यहाँ पे भी कास्ट खत्म हो जाएगा एक तरीके से। नेक्स्ट है हमारा एजुकेशन या शिक्षा। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है वर्तमान में अगर देखा जाए तो, सबसे महत्वपूर्ण आधार है शिक्षा, ठीक है। शिक्षा प्राप्त व्यक्ति समाज में क्या कर सकता है, आपको पता है कि जो एजुकेटेड होगा वो अनएजुकेटेड या इलिटरेट के कंपेरिजन में अलग से दिखाई देगा या नहीं दिखाई देगा, दिखाई देगा है ना। और जो लिटरेट बंदा है तो अपनी पढ़ाई के माध्यम से क्या कर रखा है, उसने एक अच्छी एजुकेशन ली है, अच्छी एजुकेशन लेने के बाद उसने अपने आप को सोसाइटी में एक अच्छा अस्तित्व बना रखा है, अपनी क्लास को आगे बढ़ा रखा है। मान लीजिए कोई निम्न वर्ग का है, ठीक है, और उसकी इकोनॉमिक कंडीशन जाहिर सी बात है कि अच्छी नहीं होगी, लेकिन अगर वो शिक्षित है तो क्या कर सकता है, वो अपने स्थान को या अपने प्लेस को हायर में कन्वर्ट कर सकता है, अपनी प्रतिष्ठा को वो प्राप्त कर सकता है, उच्च प्रतिष्ठा में जा सकता है। किसके माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट बेस है अगर देखा जाए बेस ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन में, इसको हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं। तो करंट टाइम में अगर हम देखा जाए तो बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, बिना किसी भेदभाव की जो शिक्षा प्रदान की जा रही है और वो शिक्षा लेकर लोग आगे अपने आप को प्रमोट कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी जाति के हों। जैसे मैंने प्रीवियस वाले वीडियो में बताया आपको कि गुरुकुल एक बहुत बड़ी एजुकेशनल संस्था है जहाँ पे बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, और वहाँ के बच्चे बहुत डोमिनेंट होते हैं, हर जगह अलग से दिखते हैं कि हाँ ये गुरुकुल के स्टूडेंट है। क्यों? क्योंकि वहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा होता है। और दूसरी चीज, वहां पे 72% बच्चे, सोचिए आप, शूद्र और वैश्य कैटेगरी के हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कास्टिज्म कहीं ना कहीं कम किया है, किसने कम किया है, शिक्षा ने कम किया है, ठीक है। गुरुकुल उस चीज को डिनाई नहीं कर सकता है कि हाँ किसी को कास्ट के बेसिस पे निकाल दे, नहीं, वहाँ पे केवल 28% ही ब्राह्मण और क्षत्रिय के बच्चे मिलेंगे आपको, वही स्टूडेंट मिलेंगे। और जो ये 72% में बता रही हूँ आपको, 72% में वहाँ पे गर्ल्स भी हैं, वुमेन्स भी हैं, जो लिटरेसी हैं, लिटरेट हैं और शिक्षा प्राप्त कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं स्तरीकरण ये है, ठीक। तो स्तरीकरण में हम जितना बात करेंगे उतना कम है। स्तरीकरण के लिए अगर देखा जाए तो एक सिस्टम बना है सोसाइटी में, और कहीं ना कहीं हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन थे, कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे लॉ भी बनाए गए थे कि लोअर कास्ट के लिए ये प्रोविजन था, ये सारी चीजें थी। तो ये तो हमारा था बेस ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, और मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिया है 1x1 पॉइंट्स को, मैंने ये हेडिंग डाली हुई है, आप इन पॉइंट्स को 1x1 करके डिटेल में लिख सकते हैं, चाहे शॉर्ट में पूछा जाए तो भी लिख सकते हैं, ठीक है। और लॉन्ग में पूछा जाएगा तो इसके साथ कुछ कंबाइन करके पूछा जाएगा, तो वहां से आपको इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करना होगा। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करके आप डेफिनेशन, मीनिंग, ये सारी चीजें क्लियर कर सकते हैं। तो देखिए हमारा 3 लेक्चर खत्म हो चुका है स्ट्रेटिफिकेशन में। इंट्रोडक्शन की बात की थी हमने, ठीक, इसके बाद हमने बात की थी कि मीनिंग क्या है स्ट्रेटिफिकेशन का, फिर डेफिनेशन की बात की, और डेफिनेशन के बाद हमने यहाँ पे बेस की बात की। तो ये बेस भी हमारा खत्म होता है, ठीक है, बेस ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन खत्म किया हमने। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रोसेस क्या होता है स्ट्रेटिफिकेशन का, उसमें कुछ थ्योरीज पढ़ेंगे। तो अभी के लिए बस करते हैं, इस वीडियो को देख लीजिएगा, आपको कोई भी डाउट होगा, कोई भी समस्या होगा तो यू कैन आस्क मी इन माई कमेंट सेक्शन।
अगर आपको वीडियो बेटर लगे, अच्छा लगे, तो प्लीज़ लोगों तक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को लर्न विद कॉन्सेप्ट बाय अर्चना विश्वकर्मा. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो. नाउ साइनिंग ऑफ, इट्स मी.